Hey, I'm back with another film. Lights, camera, rolling, action. Hello, hi, namaste, salam, Jackie, बंदे का नाम. Welcome to my life, welcome to my blog, welcome to my YouTube channel, Insane Jackie. कैसे आप सब लोग, सब बढ़िया? मेरी माने तो सब सही है, bro. और आज की जो फिल्म होने वाली है, आज का जो व्लॉग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा खास होगा, बहुत ही ज्यादा मेरे दिल के करीब होने वाला है. और ये व्लॉग खास इसलिए है क्योंकि इस व्लॉग में मैंने अपनी स्टोरी बताने की कोशिश की है. और ये आइडिया कहाँ से है जरा बता दें. हाँ जी, बात कुछ ऐसी हो गई कि आज जब दोपहर को मैं सो के उठा तो विशाल का ये कमेंट मुझे दिखा. क्या है दादा, प्लीज मेक वन शॉर्ट वीडियो ऑन योर लाइफ फ्रॉम योर बर्थ टिल टुडे. इट विल बी एक्साइटिंग टू वॉच दैट. स्कूलिंग, कॉलेज, फर्स्ट जॉब, एवरीथिंग बचपन से. बढ़िया है यार. नाइस आइडिया विशाल, इसे बनाते हैं. अच्छा टॉपिक है, बढ़िया. तो थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच ये टॉपिक मुझे बताने के लिए और मुझे ये समझाने के लिए कि आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं. तो कभी कभी आपके कमेंट्स भी हमारे काम में आ जाते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल द इंसेनियंस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने वाली है मेरी कहानी. तो मैं जरा बॉलीवुडिया हूं तो फिल्मी अंदाज में मैं अपने आप की स्टोरी आपको बताने की कोशिश करूंगा. ठीक है, बने रहिए. तो बात है 11 जनवरी की, जब इस दुनिया में हम आए थे और डॉक्टर ने हमारे पापा को ये कहा था. नर्स, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुबारक हो सर, आपकी पत्नी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं. क्या? अरे मुबारक हो. काश ऐसा होता. मैं हमेशा से ये सोचता था कि मेरा भी कोई जुड़वा भाई हो जिसे लगे तो मुझे भी लगे. अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा भाई भी कहे औ आई माँ क्या लग गया. पर हाँ, इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्स एक्शन होगा. मैं समझा नहीं. देखिए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उस समय से हम ही पैदा हुए, हमारा जुड़वा भाई पैदा नहीं हुआ और हम इस दुनिया में आ गए. जब हम इस दुनिया में आ गए तब हमें दुनिया बड़ी अजीब सी लगने लगी. स्कूल में जाता था तो मुझे नंबर समझ में नहीं आते थे. मुझे ऐसा लगता था कि क्यों क्यों बनाए ये मैथ्स, क्यों बनाए ये नंबर, क्यों बनाए भैया क्यों. इसी कारण मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ करता था स्कूल में और मैं बहुत ही चंपू टाइप का लड़का हुआ करता था और कोई भी मुझे ऐसा टपली मार के चला जाता था, गलत हुआ करता था. और इसी बीच एक लड़का था मेरे क्लास में जो कि मुझे बहुत ज्यादा बुली करता था. उसने फिफ्थ, सिक्स और सेवन तक 3 साल मुझे बुली किया. 3 साल बहुत परेशान किया उसने और मैं परेशान हो जाया करता था. लेकिन जब सेवेंथ में मैं गया तो मेरे अंदर का जैक ही जग गया. मैंने इस बार सोचा कि नहीं, इस बार मैं इससे डरूंगा नहीं, इस बार मैं इसका सामना करूंगा. और उस टाइम अपन ने उससे कर ली फाइटिंग और उसके बाद जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो आज तक हम कैमरे के सामने, अपने टाइगर के सामने ये बात करने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंसिडेंट से आता है, वो पुराना इंसिडेंट जब मैंने स्कूल में फाइट किया था. वीडियो अब ये तो थी स्कूल की बात. कॉन्फिडेंस बढ़ गया था आपके भाई का और आपका भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सबसे आगे रहता था. भाई पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रहता, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे रहता था. मैं लास्ट का सेकंड लास्ट में आता था, पीछे ही हो गया, ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे. लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा आगे हुआ करता था. अब जब आपका भाई ऐसा कॉलेज में गया, फिर से वही मतलब दौर आ गया चंपूनेस का, क्योंकि सारे बच्चे आते थे बाइक से और हम जाते थे जानी पापा की स्कूटर से. सच बता रहा हूँ, बड़ा एम्बेरेसिंग होता था. वो सब बच्चे बाइक से आते थे और मैं स्कूटर से जाया करता था. लेकिन वो कहते ना कि इफ यू आर हीरो देन ऑलवेज अ हीरो. हम बचपन से हीरो थे, हमने उसमें भी माहौल किया, उसमें भी पूरे वाट लगा दी. जो लोग बाइक से आते थे अपन स्कूटर से माहौल करते थे क्लास में, मजा आता था. कॉलेज में आपके भाई ने तो बहुत मस्ती कर ली थी, पढ़ाई बहुत कम की थी. अब बारी आई करियर में कुछ करने की. जब कॉलेज से बाहर निकले तो कहीं जॉब नहीं लग रही थी, सारे के सारे गालियां मार के बाहर भगा देते थे. Shut up, get up. अब कुछ समझ में आया ना कि क्या किया जाए भैया, मतलब पढ़ाई तो अपन ने की नहीं, कुछ आता तो है नहीं, अब जॉब क्या करें, मतलब लाइफ को आगे तो बढ़ाना है. मैं करूँ क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता,
सारे के सारे लड़के जिनके साथ मैं मस्ती करता था वो आगे बढ़ गए और मैं रह गया पीछे। बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। फिर एक दिन की बात बताता हूँ, मेरा दोस्त और मैं एक जगह बैठे थे, मैं उससे अपना दर्द शेयर कर रहा था कि देख भाई यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं फ्यूचर में क्या करूँ। मैंने उसको पूछा तू क्या कर रहा है, सो उसने कहा कि मैं रनिंग करता हूँ। मैंने कहा रनिंग क्यों, तो उसने कहा कि मैं पुलिस भर्ती का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है, उसने कहा कि रनिंग करना पड़ता है, वो गोला वोला फेंकना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ती है, पुलिस बन जाना पड़ता है। मेरे दिमाग में आ गया पुलिस। मुझे लगा मैं भी सिम्बा सिंगम और या फिर दबंग बन जाऊंगा, तो मैं भी लग गया पुलिस भर्ती में। मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी में मैंने इतना कभी रनिंग नहीं किया होगा जितना मैंने पुलिस भर्ती में किया, और मैं पुलिस भी नहीं बना तो मैं रेडियो में आया कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको सुनानी है। आओ। तो रेडियो का सफर शुरू होता है मेरा तब जब कॉलेज में हम हुआ करते थे, एंकरिंग किया करते थे, और हमारे कॉलेज में एक आई थी आरजे, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं बन सकता हूँ। सो मैंने उनको जाके पूछा कि देखिए मैम ये आरजे कैसे बनते हैं, उन्होंने कहा कि ये करो, आप इंटर्नशिप करो, आप आरजे बन जाओगे। मैं इंटर्नशिप करने गया और वहां पे भी मुझे लोगों ने भगा दिया। Shut up, get out. अब जब 4-5 साल रेडियो में ट्राई करने के बाद कुछ हुआ नहीं तो मैं पुलिस भर्ती तो कर ही रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिंगम दबंग या फिर सिम्बा तो बन ही जाऊंगा। अभी तो सूर्यवंशी आ रही, तो सूर्यवंशी भी बन ही गया होता, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन इसी बीच अपने नागपुर में एक रेडियो ओपन हुआ और मेरा दोस्त भागा भागा दौड़ा हमारे पास आया और कहा कि मुन्ना मुन्ना रेडियो में वैकेंसी है मुन्ना, जाके इसमें अप्लाई करो मुन्ना, तुम सक्सेसफुल होगे मुन्ना, तुम में टैलेंट है मुन्ना। तब जाके हमने रेडियो में अप्लाई किया और तब से लेके अब तक गाड़ी चल रही है, रेल गाड़ी झुकझुक 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 बीच वाले स्टेशन बोले, अरे रुक जा रहे, अरे मुन्ना रुक जा रहे, अरे रेल गाड़ी छुप जाएगी रे, अरे मुन्ना। रेडियो तो हो गया, लेकिन मेरे लाइफ में मेरा गोल्डन डेज तब आए जब मेरे लाइफ में आप आए। यस यू इंसेनियंस, मैंने बनाया अपना यूट्यूब चैनल, मेहनत करने लगा, व्लॉग्स बनाने लगा, मज़ा आने लगा, आपके कमेंट्स आने लगे, आपका सपोर्ट मिलने लगा, और डेढ़ साल में मैंने 2K सब्सक्राइबर कमा लिया। और ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया, इसमें आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना मेरा पूरा है शरीर, मेरा पूरा शरीर हाथ पैर दिमाग वगैरह सब, लेकिन इसमें सपोर्ट आपका है आपका। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, बाकी लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जो कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो पूरी कहानी बताऊंगा, दिस इज माय स्टोरी ऐसा करके। सो अभी बस इतना ही, बड़ी ही शॉर्ट में मैंने अपनी स्टोरी समझाई कि हम बचपन से लेके यहाँ तक कैसे आए और यहाँ से लेके आगे जो भी जाएंगे इस कहानी का हिस्सा कौन होंगे पता है, आप, सिर्फ आप। बस सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और क्या, लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। अडियोस अमिगोस, जैकी आउट, बाय बाय। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुन ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े रब से लाके छोड़े सबसे आगे, जिंदगी की इस दौड़ में जो भागे वो ही राजा, रुके पीछे झुके नीचे वो है लाचर, क्योंकि खींचे तुझे पीछे तेरी आशा वापस आ जाती।